आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय किया प्रदर्शन, साथ ही आंगनबाड़ी की महिलाओं ने रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश में संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र और 5,814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 1,00,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं कार्यरत हैं, जिसकी लगातार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय, श्रम और वर्तमान महंगाई के अनुरूप दिए जा रहे मानदेय और अन्य सुविधाएं को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर शासन प्रशासन को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश भी की जाती रही है, जिसका अभी तक निराकृत नहीं होने के कारण प्रदेश के सभी संगठनों ने एक संयुक्त मंच के प्रांतीय आह्वान पर बुधवार को प्रत्येक परियोजना मुख्यालय में शासन का ध्यान आकर्षण कराने हेतु धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और अपनी आवाज बुलंद की। इस अवसर पर आंगनबाड़ी महिलाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी लंबित मांगों को लेकर रैली निकाली। इस लेकर आंगनबाड़ी पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी है। अपने लंबित मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में परियोजना स्तर एक दिन का मतलब धरना रैली कर रहे हैं सर जी। हमारी मांगे है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावे और चुनावी वादा मतलब चुनाव के समय हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा हमारी मानदेय में वृद्धि और हमको नर्सरी शिक्षक में लेने का जो वादा किया था उनको भी पूरा किया जाए, क्योंकि आज चूंकि 3 साल हो चुके हैं सरकार के तरफ से हमारा सिर्फ आश्वासन के सिवा भी हमारे लिए कुछ नहीं किया गया है। और एक पोषण ट्रैकर है हमारे यहाँ, वो मोबाइल में हम मोबाइल ऐप में पोषण ट्रैकर ऐप है जिसको डाउनलोड करके हम अपने आंगनबाड़ी की जितने भी गतिविधियाँ हैं जो हितग्राहियों को लेके उन पर हम ऐड करते हैं, पर हमको ना नेट नहीं दिया जा रहा है ना मोबाइल मतलब मोबाइल जो फ़ोन है वो भी हमको जो मिला है वो ख़राब हो चुका है और ना नेट चार्ज के लिए हमको ना ही राशि दी जा रही है, इसलिए हम उस काम के लिए भी हम मतलब सरकार से उसमें नेट के लिए हमको पैसा दिया जाए। ये मांगे आज आज हम अपने परियोजना अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव और हमारे सचिव महिला बाल विकास विभाग को हम सौंप रहे हैं। 3 साल हो गए, मामले लंबित है, यदि मांगे पूरी होंगी तो क्या करेंगे जी? हमारे आगे की रणनीति है कि अगर आज तो हम परियोजना स्तर पर कर रहे हैं और इस बीच में अगर नहीं होती हमारी मांगे को लेकर सरकार अगर, तो हम 6 जुलाई को अपन जिला स्तरीय हम मांगे मतलब हड़ताल करेंगे। बहरहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी मांगे रखी है और प्रदर्शन किया है। देखना होगा इनकी मांगों का असर कब, कैसे और कितना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।